नमस्कार, वेलकम टू एस्टैब्लिशमेंट इंडिया यूट्यूब चैनल। मैं हूं विकास दे, मेमोरी ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमेशा के जैसे आज भी लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को समय समय पर पाने के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ये वीडियोज अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप अपना नोट सर्कल में जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आमतौर पे देखा जाता है ज़्यादातर लोगों का एक से ज़्यादा सेविंग्स अकाउंट रहता है और एक से ज़्यादा बैंक में भी कई बार रहता है। तो सवाल ये था कि अगर किसी का एक से ज़्यादा सेविंग्स अकाउंट है तो क्या इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है? किसी का दो है, किसी का चार है, किसी का छः है, किसी का सिंगल अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का साथ जो अकाउंट्स है, ये सारे अकाउंट्स क्या आपके लिए कभी प्रॉब्लम रेज कर सकता है इन फ्यूचर? इनकम टैक्स कभी आपको नोटिस भेज सकता है? इस विषय पे जो सवाल है उसका जवाब इस वीडियो में आज देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप कितने तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितने तक आप कैश ट्रांजैक्शन करने से आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपके पास एक से ज़्यादा सेविंग्स अकाउंट का ज़रूरत पड़ सकता है, आपके लिए एक से ज़्यादा सेविंग्स अकाउंट का ज़रूरत पड़ सकता है और आमतौर पे है भी एक से ज़्यादा अकाउंट्स। पर एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अगर आपके पास मोर देन वन सेविंग्स अकाउंट है या कितने भी सेविंग्स अकाउंट है, इस बात पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके पास कितने भी सेविंग्स अकाउंट हो उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली मैटर नहीं है। इनकम टैक्स को इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चाहे आपके नाम से सिंगल या जॉइंट या ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशनल कोई भी अकाउंट्स हो, इससे इनकम टैक्स को कोई इतराज नहीं है। इनकम टैक्स का जो रिलेशन है वो है आपका इनकम, आपका अकाउंटेबिलिटी ऑफ इनकम एंड ट्रांजेक्शन। हाँ, ये जरूर है कि ट्रांजैक्शन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, आपका चाहे वो पोस्ट ऑफिस POSB अकाउंट्स हो या फिर आपका IPPB अकाउंट्स हो या फिर और कहीं किसी तरह का अकाउंट्स हो या नेशनलाइज बैंक में अकाउंट्स हो, कैश ट्रांजैक्शन सिंगल ट्रांजैक्शन में 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 लाख से ज़्यादा होगा तो इनकम टैक्स का नोटिस आपके नाम पर इशू हो सकता है, आपसे कारण पूछा जाएगा, इसका वजह पूछा जाएगा कि आप किस वजह से सिंगल टर्म में आप मोर देन 2 लाख ट्रांजैक्शन किया। ये गया पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ये है आपका मंथली टोटल ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग आपका पोस्टल सेविंग्स अकाउंट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट या नेशनलाइज्ड बैंक का अकाउंट, जहां कहीं भी आपका पैन लिंक किया हुआ है, वो सभी अकाउंट्स में टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट ईयरली 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक साल में आप 10 लाख तक ही कैश ट्रांजैक्शन अपना सेविंग्स अकाउंट से कर सकते हैं। करंट अकाउंट का बात अलग है, क्योंकि करंट अकाउंट में बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, उसमें और ज़्यादा वॉल्यूम का कैश का ज़रूरत पड़ सकता है, इसलिए यहाँ पे करंट अकाउंट का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये प्योरली सेविंग्स अकाउंट है जो आमतौर पे पेंशनर्स एंड एम्प्लॉयड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, इनके लिए एप्लीकेबल है। जो सेविंग्स अकाउंट हम रखते हैं बैंक में या और किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उस सेविंग्स अकाउंट का ईयरली ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, ईयरली जो कैश ट्रांजैक्शन है वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो आपके नाम पर इशू हो सकता है इनकम टैक्स का नोटिस, और इसमें कारण दर्शाने के लिए आपको कहा जाएगा, आपको बताना पड़ेगा आप क्यों 10 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉ किया या फिर जमा किया। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन का मैं बात कर रहा हूँ, ये 10 लाख जमा करने का लिमिट है और 10 लाख विड्रॉ करने का लिमिट है। तो आप टोटल एक साल में 10 लाख रुपया मैक्सिमम कैश जमा कर सकते हैं अपना सेविंग्स अकाउंट में, और टोटल 10 लाख रुपया अपना सेविंग्स अकाउंट से आप विड्रॉ कर सकते हैं। इस पर कोई पाबंदी नहीं है, इनकम टैक्स का
कोई नोटिस आपके पास आने का कोई चांस नहीं है। पर अगर ये लिमिट आपने क्रॉस किया तो आपके नाम पे इशू हो सकता है इनकम टैक्स का नोटिस। वहाँ पूछा जाएगा कि 10 लाख से ज़्यादा आपने अगर कैश ट्रांजेक्शन किया तो उसका सोर्स पूछा जाएगा, और 10 लाख से ज़्यादा आपने कैश विड्रॉ किया तो उसका भी वजह पूछा जाएगा, आप किस वजह से 10 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉ किया और उसका डिस्पोजल है क्या है, आप कहाँ पे यूज़ किया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप याद रखिएगा ये जो ट्रांजेक्शन लिमिट है, और आपका जो अहम सवाल था सेविंग्स बैंक अकाउंट नंबर ऑफ अकाउंट्स का, इसका कोई लिमिट नहीं है, आप बेफिक्र रह सकते हैं। आपका कितने भी बैंक में, कोई भी बैंक में कितने भी सेविंग्स अकाउंट हो, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। सो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा जाना, उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत।